नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा अयोध्या स्वर्ग से भी प्यारा, मेरा अयोध्या सुंदर नगरी, मेरा अयोध्या आपका अयोध्या, चारों दिशाओं में यह सुंदर मेरा अयोध्या। आओ चलें अयोध्या, भगवान श्री राम जी की नगरी, जन्मभूमि का चरण स्पर्श करने। आओ हम सभी लोग मिलकर इस समय विकास की धारा जिस तरह से अयोध्या में बह रही है, इसे देखते हुए चारों तरफ सड़क ही सड़क, चौड़े मार्ग और भी ऐसे रामायण से अंकित पुलों पर चित्रण देखने को मिल रही है। अयोध्या एक श्री राम जी की नगरी, अयोध्या नगरी पर्यटक स्थल, और आपका आने से मन गदगद और खुशहाल हो जाएगी। अयोध्या सबसे पुराना तीर्थस्थलों में से सबसे बड़ा तीर्थस्थल हमारे सनातन धर्म की परंपराओं के अंतर्गत मानी जाती है। देश विदेशों में श्री राम जी की गाथाएं आज विश्व में लहरा रही है। उनकी हमेशा या नगरी अयोध्या नगरी भगवान पुरुषोत्तम राम श्री राम जी का दर्शन करने लोग देश विदेश के लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं और श्री राम जी की हमेशा चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह अयोध्या सरजू नदी के किनारे मौजूद है। यहाँ पर सभी सरल भाव अयोध्यावासी आपकी हर एक मिठास वाणी और मिठास मीठे की तरह हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ की भाषा अवधी है और यह जो भारत में आए हैं देश विदेश के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और पर्यटक के रूप में अयोध्या, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, केदारनाथ आदि नहीं गए हैं तो भारत कहीं पर भी नहीं ठहरे हैं। आइए उत्तर प्रदेश अयोध्या का विशाल जनसभा में आप देख सकते हैं दीपोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों करोड़ों की संख्या में सरजू के किनारे मनाई जाती है और देश विदेश के लोग यहां सैलानी आते हैं और अयोध्या दर्शन करने। भारत को सही मायने में समझना है तो इन भगवान की धरती पर अनेक देवी देवताओं का सुंदर धाम है। आओ अयोध्या सभी देशवासियों, आओ अयोध्या। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया भगवान श्री राम जी की लीला आज भारत में पर्यटक के रूप में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, आज सभी लोग भारत को सलूट कर रहे हैं। या हम सभी लोग आज भारत ही काशी और प्रयागराज, केदारनाथ, उज्जैन, हरिद्वार, बाबा धाम सभी आज जहां जहां पर पर्यटक के रूप में आगे बढ़ रहा है वहीं पर आज भारत सरकार और राज्यों की सरकारें, पर्यटक मंत्रालय अब जोर शोर के साथ लगी हुई है पर्यटक को खूब सुंदर बनाने के लिए, उस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय लगातार विकास की एक धारा बहती हुई दिखाई दे रही है जिससे कि सुंदरता और सौंदर्यीकरण तेजी के साथ इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी प्यारा मेरा अयोध्या धाम है। जो अयोध्या धाम में एक बार आया है वह हमेशा हमेशा के लिए यहीं बसना और टिकना रहना चाहता है क्योंकि यहाँ की मीठा सुमाड़ी अवधी भाषा और साहित्यिक में सबसे आगे और यहाँ की मिसाल और कर्तव्यों का सबसे बड़ा रुझान देखने को मिलती है। अयोध्या नगरी आज जिस तरह से विकास की धारा लगातार बह रही है या सुंदरता की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।